गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। ठीक है, आज की इस वीडियो में इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास पुराना बुक है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई सर्किट आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, सिर्फ ये तीन लाइन्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। ओके, गलती से यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखिए इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 11.8 ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सर्किट आपको प्रोवाइड किया गया है, नया बुक अगर आपके पास है तो वहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार का सर्किट आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ओके, जिसमें से ए और बी पॉइंट के बीच दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, 4 ओहम 4 ओहम जिसका यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, फिर बी और सी के बीच 1 ओहम का एक रजिस्टर है, फिर सी और यहाँ पर ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट के बीच 6 ओहम के दो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ईएमएफ है, मतलब एक बैटरी कनेक्ट की गई है जिसका ईएमएफ 15 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये ईएमएफ की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है। अब दोस्तों यही एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सिर्फ 15 वोल्ट है ना, वहाँ पर हम लोग 14 वोल्ट लेंगे। ठीक है, और वो एग्जाम्पल हम अलग से सॉल्व करेंगे, और ये एग्जाम्पल आप होमवर्क के लिए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो 15 वोल्ट है उसकी जगह पर हम 14 वोल्ट लेते हैं और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ताकि कैलकुलेशंस करने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर 15 वोल्ट कंसिडर करके एक बार फिर से ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 14 वोल्ट कंसिडर करके यही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है देखिए, अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अ 15 वोल्ट बैटरी। यहाँ पर दोस्तों टेक्स्ट बुक में आपके 15 वोल्ट बैटरी है, लेकिन यहाँ पर हम 14 वोल्ट कंसिडर करेंगे ताकि कैलकुलेशंस आसान हो। ठीक है, ओके, आप घर पे 15 वोल्ट बैटरी कंसिडर करके एक बार इसको सॉल्व कर सकते हो फिर से। ठीक है, ओके, विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम, इंटरनल रेजिस्टेंस उसको वैसे रखा है हमने। अब आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है देखिए, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको ये जो रेजिस्टर्स हैं, ये सारे रेजिस्टर्स का आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर उसके बाद ये जो पूछा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो रेजिस्टर्स है, ये सारे रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है कि अगर ये सारे रेजिस्टर्स हटा दिए जाए और यहाँ पर एक ही रेजिस्टर लगाया जाए, ठीक है, तो उसका इफेक्ट और ये सारे का इफेक्ट सेम ही होगा, इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके, तो ये सारे के सारे जो रेजिस्टर्स हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, ये जो दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में कनेक्ट, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, और ये जो दो पैरेलल रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, और फिर दोस्तों ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीन सीरीज में होंगे, फिर उन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो रेजिस्टर्स हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आर इक्विवेलेंट 1। ओके, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हमें पता होना जरूरी है कि अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट 1, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय ये R1 मतलब 4, प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये R2 मतलब 4। ठीक है, ओके, सो 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा 2/4, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन की हमने। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट 1 हमें यहाँ पर मिल चुका है 2/4। ठीक है, 2/4 का मतलब ही 1/2 होता है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों मिल चुका है 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट 1 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको हम उल्टा करेंगे, इसको भी अगर हम उल्टा करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो R इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों R इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 2 ओहम। ठीक है, ओके, मतलब ये जो यहाँ पर दो रेजिस्टर्स हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओहम आ रहा है। ठीक है, तो हमने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है दोस्तों, मतलब इन दोनों को हटाया जाए और यहाँ पर ये इसको लगाया जाए। ठीक है, तो इन दोनों का इफेक्ट और इसका इफेक्ट सेम ही होगा। ठीक है, ओके, अब दोस्तों इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर R इक्विवेलेंट 2। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये दो पैरेलल में है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर ये 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ये R1 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 6। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 2 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 6 का मतलब ये 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू 1/3। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर R इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी दोस्तों 3 ओहम। ठीक है, मतलब ये जो दो रेजिस्टर्स हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 3 ओहम। ठीक है,
मतलब अगर ये दो रेजिस्टर्स हटाते हो और इसकी जगह पर आप 3 ओम का एक रेजिस्टर लगाते हो, तो इन दोनों का इफेक्ट और इसका इफेक्ट सेम ही होगा, ठीक है। ओके, तो हमने इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले दोस्तों। अब ये डायग्राम कैसे दिख रही है, अब ये ऐसे दिख रही है कि 3 रेजिस्टर्स जो हैं सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको देखना होगा कि ये 3 रेजिस्टर्स कैसे कनेक्ट किए गए हैं। ये 3 रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये 2, ठीक है, यहाँ पर 2, ये सीरीज में है ना, तो डायरेक्टली हम लोग एडिशन करते हैं, 2 + 1 + 3, मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 2 + 1 3 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। इसका मतलब ये तीन, ये सारे के सारे रेजिस्टर्स हटा दोगे और इसकी जगह पर आप यहाँ पर देखिए 6 ओम का, 6 ओम का एक रेजिस्टर आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रेजिस्टर्स हैं उनका इफेक्ट और इक्विवेलेंट का इफेक्ट सेम ही होगा, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर आर इक्विवेलेंट पता किया हुआ है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर आर इक्विवेलेंट मिल चुका है। आर इक्विवेलेंट मतलब ये आंसर हमें मिल चुका है, पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, मतलब क्या कि ये सारे के सारे जो रेजिस्टर्स हैं ये सारे रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर करंट इन ईच रेजिस्टर, मतलब करंट इन ईच रेजिस्टर आपको पता करना है, मतलब यहाँ पर ये रेजिस्टर के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा, ये रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, ये रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, हर एक रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन फिर उससे पहले दोस्तों हमें निकालना होगा कि ये जो सर्किट है यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा वो आपको निकालना होगा, होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो अगर ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है दोस्तों, तो आप इस करंट को कैसे निकालते हो, करंट देखिए यहाँ पर ये जो करंट है इसको आप कैसे निकालोगे, ये बी का आंसर निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो करंट इन सर्किट कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट है 6, ठीक है। ओके, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, आर इक्विवेलेंट सॉरी ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट मतलब लोड प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है दोस्तों आपको। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ईएमएफ कितना है, देखिए 14 वोल्ट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कितना है 6 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों 1 ओम है, ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाय 6 + 1 कितना होगा यहाँ पर 14 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो करंट कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 14 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर, मतलब ये जो बैटरी है यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पर 14 कंसिडर किया, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में 15 है तो आपने यहाँ पर 15 अगर कंसिडर किया होता तो आंसर 2.1 समथिंग कुछ ऐसा मतलब अलग आता है आंसर, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्टली 2 एम्पियर आया है, इसका कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर 14 कंसिडर किया हुआ है, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है, ठीक है, यहाँ से करंट 2 एम्पियर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से करंट 2 एम्पियर निकलेगा यहाँ तक, यहाँ इसको 2 पाथ मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा मान लेते हैं I1 और नीचे की तरफ जाएगा I2, ठीक है। ऊपर अलग करंट जाएगा, नीचे अलग करंट जाएगा, फिर वापस से यहाँ पर आने पर I1 + I2 मतलब सेम यहाँ से क्या होगा दोस्तों, फिर से ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, फिर यहाँ से और एक रास्ता मिल रहा है इसको यहाँ पर, ठीक है। तो फिर यहाँ से अलग करंट जाएगा ऊपर, नीचे अलग करंट जाएगा, फिर यहाँ पर यहाँ से फिर से क्या होगा दोस्तों, ये 2 एम्पियर करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टर है मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस 2 एम्पियर करंट वापस से यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये I1 I2 मतलब ये 4 ओम रेजिस्टर, ये 4 ओम रेजिस्टर, इन दोनों रेजिस्टर्स के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टर के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों रेजिस्टर के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हमें निकालना है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से तो 2 एम्पियर करंट निकल रहा है इतना हमें पता है, ठीक है। ओके, तो जब ये करंट यहाँ पे आएगा तो इसको 2 रास्ते मिलेंगे। ओके, तो मान लेते हैं ऊपर से I1 करंट जा रहा है, नीचे से I2 करंट जा रहा है, तो हमें इतना तो पता है दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर ये बी क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं, हमें इतना तो पता है कि I1 + I2 जो है वो कितना है, वो 2 एम्पियर है, ठीक है। ये I1 + I2 कितना है, 2 एम्पियर है। ओके, ठीक है, यहाँ पर फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, तो यहाँ से करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। ओके, और ये यहाँ पर इसको 2 रास्ते मिल रहे हैं, मान लेते हैं ऊपर से करंट फ्लो कर रहा है I1, नीचे से I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये I1 और I2 हमें निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये निकालने के लिए आपको एक बात याद होना जरूरी है कि ये 2 रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये ए बी, इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा,
ठीक है ओके। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, आई वन इसको अगर हम आर वन बोले, इसको अगर हम आर टू बोले, ठीक है। तो ये वी कैसे निकालते हैं, हम ओम्स लॉ के हिसाब से आई वन आर वन, ठीक है ओके। तो ये आई वन आर वन इज इक्वल टू वी ए बी, और ये वी ए बी निकालने का दूसरा तरीका क्या है, आई टू आर टू, आई टू आर टू। लेकिन दोस्तों ये जो वी ए बी है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये दो पॉइंट के अक्रॉस, वो सेम ही है ना, ठीक है। तो ये आई वन आर वन और आई टू आर टू सेम होगा, ठीक है ओके। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर्स, ओके। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये चार ओहम और ये चार ओहम, मतलब आर वन और आर टू सेम है, तो ये आर वन और आर टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि I1 इज इक्वल टू I2, मतलब जितना करंट इस रेजिस्टर से गुजर रहा है उतना ही करंट इस रेजिस्टर से गुजरेगा, ठीक है ओके। लेकिन I1 प्लस I2 कितना है, 2 ओम है। तो अगर इस इक्वेशन को भी अगर हम कंसीडर करते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, सॉरी ओम नहीं एम्पियर, ठीक है। और I1 इज इक्वल टू I2 है, तो ये दो इक्वेशन अगर आप यहाँ पर कंपेयर करोगे तो I1 कितना होगा 1 एम्पियर और I2 कितना होगा 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के अंदर से एक एम्पियर करंट फ्लो करेगा, यहाँ से एक एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से दो एम्पियर करंट, यहाँ से एक एम्पियर, यहाँ से एक एम्पियर, ठीक है। फिर वापस ये दोनों आ करके यहाँ पर मिल जा रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, दो एम्पियर करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर दो रास्ते नहीं है, एक ही रजिस्टर है, ठीक है। तो वो एक रजिस्टर के अंदर से दोस्तों दो एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है ओके। तो इसके अंदर से एक एम्पियर, इसके अंदर से एक एम्पियर, लेकिन ये जो वन ओहम का रजिस्टर है इसके अंदर से दो एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पर देखिए ये एक ओहम का जो रेजिस्टर है इसके अंदर से दो एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है ओके। फिर आगे जाके उसको फिर से दो रास्ते मिल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ का रेजिस्टर और यहाँ का रेजिस्टर सेम है। तो इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये जो ऊपर वाला रजिस्टर है इसके अंदर से एक ओहम एक एम्पियर करंट और इसके अंदर से एक एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पर बताता हूँ, देखिए मैं आपको, यहाँ से ये दो एम्पियर करंट जाएगा आगे, ठीक है, और ऊपर 6 ओहम का रेजिस्टर है और नीचे भी दोस्तों यहाँ पर 6 ओहम का रेजिस्टर है, ऊपर और नीचे 6 ओहम का रेजिस्टर है, ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया वैसे ही अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो ये 2 एम्पियर का करंट क्या होगा, यहाँ पर स्प्लिट होगा, यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है ओके। वापस ये 2 यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है ओके। तो हमने यहाँ पर दोस्तों क्या पता किया, करंट इन ईच रेजिस्टर, इसको सिर्फ आप क्या करिए दोस्तों, ऑर्गेनाइज वे में लिखिए, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछते हैं तो करंट इन ईच रेजिस्टर मतलब हर एक रेजिस्टर के थ्रू हमने कितना करंट फ्लो होता है ये हमने निकाला है। इस रेजिस्टर के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, वापस से यहाँ पे देखिए इस रजिस्टर के थ्रू 1 एम्पियर और इस रजिस्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है ओके। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर निकलना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी, अक्रॉस बी सी और अक्रॉस डी सी, मतलब ये ए और बी पॉइंट के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये आपको निकालना है, बी और सी के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये भी आपको निकालना है, और सी और डी के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ए बी बी सी और सी डी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ठीक है ओके। तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए दोस्तों आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना जरूरी है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, कितना है दोस्तों, 2 ओहम है, ठीक है। और इसके अंदर से करंट कितना फ्लो होगा, देखिए यहाँ पर इसके अंदर से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा ना, ठीक है ओके। तो करंट कितना फ्लो होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है ओके। और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओहम। तो ए बी के अक्रॉस दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो ए बी है, ये ए बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं, ये निकालने के लिए दोस्तों ओम्स लॉ का यूज़ कर सकते हो आप। ओम्स लॉ क्या है दोस्तों, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, ठीक है। और इसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2। सो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट, ठीक है ओके। तो ये जो ए बी है, यहाँ पर देखिए ये जो ए बी है इसके अक्रॉस 4 वोल्ट इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये दो रेजिस्टर्स मिलकर 4 वोल्ट इतना वोल्टेज खा रहे हैं बोल सकते हो आप, ठीक है। अब दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बी सी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बी सी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बी सी, करंट कितना फ्लो कर रहा है दोस्तों, 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर देखिए, 1 ओहम, ठीक है। तो आई इंटू आर होगा, ठीक है। तो करंट 2 है, रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, ठीक है। सो 2 इंटू 1, 2 ओहम,
मतलब ये जो रेजिस्टर है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस 2 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, मतलब ये रेजिस्टर ने 2 वोल्ट इतना वोल्टेज यूज़ किया, ठीक है। अब दोस्तों सी डी के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना जरूरी है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम पता कर चुके हैं 3 ओम है, और इसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है दोस्तों, देखिए इसके अंदर से करंट जो है ये 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है ना, ठीक है, इसके अंदर से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ओके। तो दोस्तों पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी डी क्या होगा, यहाँ पर इट इज इक्वल टू आई इंटू क्या होगा आर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों करंट कितना है 2, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो दो रेजिस्टर्स हैं इन्होंने मिलके 6 वोल्ट इतना वोल्टेज यूज़ किया है इस ईएमएफ सोर्स का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर ईएमएफ का जो सोर्स है, ईएमएफ कितना है उसका 14 वोल्ट है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 14 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है, इसमें से 4 वोल्ट इसने यूज़ किया, 2 वोल्ट इसने यूज़ किया, 6 वोल्ट इसने यूज़ किया, तो टोटल कितना यूज़ हुआ, 4 और 2 6 और 6 12 वोल्ट यूज़ हुआ। सो 14 वोल्ट में से 12 वोल्ट यहाँ पर यूज़ हो गए, ठीक है। अब बचा हुआ 2 वोल्ट कहाँ पर जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर 2 वोल्ट खर्च हो जाएगा, कैसे देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसको हम नाम दे सकते हैं DE, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट इसके अंदर से कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सो 2 इंटू यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है इसका 1, सो 2 इंटू 1 कितना होगा दोस्तों 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर ड्रॉप हुआ, और बचा हुआ जो 12 वोल्ट है वो यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सेल को कनेक्ट करने के 2 अलग अलग टाइप्स हैं, उनके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।